आज मैं छोटा सा शुरू कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपका केतु का कंप्लीट करती हूँ। मैम, राजा से रंक बनने का कॉम्बिनेशन। राजा से रंक बन गया व्यक्ति, भाई काफी अच्छा था। क्या चीज हो गई है मैम यहाँ पर? भी चार्ट में ये चीज हमारी बन रही है। ये राजा से रंक बनने के कॉम्बिनेशन है, तो इस चीजों को कभी भी इग्नोर मत कर। क्या चीज आप गलतियां करोगे वो मैं अभी क्लियर कर रही हूं मैम। जैसे मैं प्लेनेट बिठा रही हूं, कोई एक प्लेनेट, कोई दो प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट आपका हो सकता है, ठीक है मैम। मरकरी, सैटर्न, केतु, राहु, मार्स, वीनस, सन, मून, जुपिटर, कोई भी एक या दो प्लेनेट, कोई भी हो। मैम कुछ समझ में आ रहा है इसमें आप लोगों को? वैसे क्यों? मैम तो सबसे मैम ये चीज, एक तो ये है कि खुली बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना माला पे भी माला, जैसे मोती एक एक खुलावा ग्रह, वैसे प्लेनेट बिल्कुल अलग अलग है, ऐसी हाँ, कुंडली वैसे ही बहुत फिर समय से भी होती है। क्यों? थोड़ा सा प्लीज एक चीज को चेक करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। केंद्र में सभी मेलिफिक प्लैनेट हैं। नहीं वो तो कोई चीज सही कॉमन है मैम, सब में कॉमन है। प्लीज थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिए, आप सब एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। सन सन सैटर्न सेकंड हाउस में सैटर्न का जाकर के उसकी सन की एस्पेक्ट उस पर, सन की उस पर इतना दूर नहीं जाना। उच्च नीच जानते हैं आप कुछ? उच्च नीच जानते हैं आप लोग कुछ? ये सब प्लेनेट ने क्या किया? सनी। सारे हाँ सही है मैम। आप बुध छठी और शुक्र आमने सामने बैठा है, उच्च और नीच के सारे नहीं सर, ग्रह। उच्च नीच कैसे है? मरकरी तो यहाँ नीच होता है, वीनस आपका यहाँ नीच होता है, कोई वीनस आगे तो है ही नहीं। कैसे कहने का मतलब है करता सारे प्लेनेट अपनी नीचता को छोड़कर आगे बढ़े हैं। है क्या उसमें वो नीच गुण अभी भी है जिसके कारण व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है? मरकरी 12 नंबर की राशि में नीच का होता है, एक में आ गया है। सैटर्न 1 नंबर की राशि में नीच का होता है, दो में आ गया है। अभी केतु यहां पर नीच का होता है, यहां पर आ गया है। मंगल यहां पर नीच का होता है, यहां पर आ गया है। वीनस यहाँ नीच का होता है, यहां पर आ गया है। सन यहाँ नीच का होता है, आगे बढ़ गया है। मून यहाँ नीच का होता है, आगे बढ़ गया है। राहु यहाँ नीच का होता है, आगे बढ़ गया है। जुपिटर यहाँ नीच का होता है, आगे बढ़ गया। क्या सब प्लैनेट अपनी नीचता को छोड़कर आगे आ गए हैं? बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है राजा से रंक बनाने के लिए। क्या अभी भी अपनी नीचता को लेकर चल रहा है या छोड़ देगा? छोड़ देगा तो रंक नहीं बनेगा, नहीं तो दिक्कत है, नहीं तो दिक्कत है। किसी का भी चार्ट कोई मर्जी नंबर लगन का है, 1 से 12 मुझे मतलब नहीं। सिर्फ मतलब है आपके प्लेनेट ऐसे बैठा होना चाहिए, कोई भी एक, कोई भी 4, 2, 3, जो भी प्लेनेट हमारा ऐसे बैठा होना चाहिए। क्या आपके चार्ट में बैठे हैं? कोई जुपिटर लगन बनाकर बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके D1 चार्ट, D1 और एक साथ के साथ D9, जो हम कहते हैं हमारी आत्मा। थोड़ी सी नजर मार लेनी चाहिए, D1 में नहीं मिला तो D9 में तो नहीं है, नहीं तो D1 काफी है। क्या गलती करेंगे मैं? अगर मैम ऐसे जुपिटर हो सकती है, चाहोगे
सर प्रेम सर प्लीज दोबारा से दोहराना। प्रत्येक के आगे छोड़ छोड़कर राशि के लिए नीच वाली और आगे कन में प्लैनेट बैठा हो। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये कुंडली जो बनाई है आपने जी अपनी राशि को छोड़कर अगले वाले के लिए भाव में समझ नहीं आ रही। छोड़कर आपके यहाँ से दिक्कत है प्रेम सर। मैं फिर भी मैं दोबारा दोहराती हूँ, आपके जिस मर्जी नंबर का लग, मैं बात दोहरा देती हूँ, हो सकता है क्लियर हो जाए। आपका जो मर्जी नंबर का लगन है, 1 से 12, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये प्लेनेट बैठे होने चाहिए इस तरीके से, बस मुझे उससे मतलब, ठीक है सर? भाव से मैंने मतलब बोला भाव से मतलब है मुझे, इन भावों में ये वाले प्लेनेट होने चाहिए, मुझे इससे मतलब है। मैम मुझे आपकी राशि से कोई लेना देना नहीं है यार। मैंने बोला D1 चार्ट को देख लीजिएगा या D9 चार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है मैम? हम क्या गड़बड़ करेंगे मैम? अगर किसी का ये प्लेनेट बैठा है तो एक ही व्यक्ति काफी हो जाता है पूरी कुंडली को हिलाने के लिए, और हम वो गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे सर? यदि जुपिटर हमारा 9th, ये 11th में है, सबसे पहले तो अपने पिता को रिस्पेक्ट नहीं देता, पिता को भगवान की तरह पूछो, क्योंकि ये पिता को रिस्पेक्ट नहीं देगा ना, जिसके कारण इसको दिक्कतें आने वाली हैं। चाहे पिता इस दुनिया में है या नहीं है, उनका श्राद्ध पूरी इज्जत के साथ करो, उनका नाम पूरी इज्जत के साथ लो। मैडम इसमें रेट्रो होके आया हो तो भी ऐसा ही करना मतलब नहीं रेट्रो सर, हो नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, ओके कोई ओके मतलब नहीं है अभी सर भी, कोई नहीं सर, कोई उस तरीके से ओके नहीं, बिल्कुल भी ऐसा, ठीक है? यदि शुक्र आपका 7th में आ गया है, 6 से निकला है मैम, एनिमी, अपनी कंपटीशन, बीमारी, कर्जा हल्के में मत लो। मैं तो चुका दूंगा, ये तो आ रहा है, इस चीज को हल्के में मत लो। मैडम फिर से बोला बीमारी कर्जा ओके अपना बीमारी, कर्जा, कंपटीशन, सर क्यों सर? छठा कर है ना, तो ओके ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया ना, वहां से निकल कर आ रहा है। इसे नजरअंदाज ना करें, हल्के में मत लो, नहीं तो दिक्कत आएगी। सर कोई व्यक्ति ऐसा हो ना तो मैं बोलूंगी प्लीज चार्ट लेकर बैठो, आपको पता लगेगा जिस जो काफी अच्छा जा रहा हो और फिर काफी डाउन आ गया, आपको कोई प्लेनेट मिलेगा। अपनी डेली रूटीन और हेल्थ का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कंपटीशन आपके आगे आता है उसे इज्जत दे। दर देख, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये वाली बातें करते हैं मैं ऐसे लोग। यदि चंद्रमा आपका 9वें घर में आ गया है, आप ज्योतिषी की, ससुराल वालों की इज्जत करें, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। मैम ये कॉम्बिनेशन में भी काम करेंगे सपोज किसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आपके 4 प्लेनेट एक जगह बैठ गए, काम अच्छा 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 पर अकेला एक है तो काम करो ठीक करेगा मैम। कहने का मतलब मैम, झुंड के अंदर एक अकेला व्यक्ति हथियार चलाने के लिए काफी होता है। चंद्रमा है तो आप ज्योतिषी की, ससुराल वालों की इज्जत करेंगे तो बहुत बढ़िया, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। यदि स्पिरिचुअलिटी के बारे में गलत बोला तो भी दिक्कत आ जाएगी। कहने का मतलब जिस घर से निकल कर जा रहे हो ना, उस घर की बुराई करेंगे कहीं ना कहीं, इंश्योरेंस, वेद पुराण, इनकी इज्जत करें।
सडन गेन व नुकसान की रिस्पेक्ट करें। धर्म व रिलीजन की इज्जत करें। यदि सन है तो मैम 7वें से निकल कर आ रहा है। अपने स्पाउस को, अपने बिजनेस पार्टनर को इज्जत दें, नहीं तो लाइफ में स्ट्रगल है। पैसों को इज्जत करें। जब भी आपके पास पैसा आए माथे से लगाएं मैम। जिसका भी वीनस 7th में है, जब भी पैसा आए पैसों की इज्जत करें, पैसों को माथे से लगाना है। ऑनलाइन, यदि आजकल मैम ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, जब भी पैसा आया इस तरीके का करना है। वीनस वीनस में मैडम में बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल वीनस। मैम सन बोला था ना भी आपने। हाँ अभी हाँ सर मैम, हाँ सॉरी सॉरी, सन सन की ही बात कर रही हूँ मैम, सन की ही बात कर रही हूँ। जब भी पैसा आए उसका इस तरीके से माथा टेके, ऑनलाइन आ रहा है, हाथ में पैसा आ रहा है तो इज्जत करें कहीं ना कहीं। वाइफ को भगवान की तरह पूजे। मरकरी सबसे पहली चीज सर, अपने खर्चों पर ध्यान दें। बहुत खर्चा करते हैं, किसी का फर्स्ट हाउस में मरकरी है, बहुत खर्चा करते हैं। गेन पर नहीं बल्कि खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। रेट्रो में काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं ठीक मैम रेट्रो की बात नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक ठीक है। आप D9 चार्ट को देखो, पलटता है तो हाँ, अच्छा ठीक पलटता है तो हाँ। खर्चों की इज्जत करें। अपने दिन की शुरुआत विष्णु सहस्त्र नाम से करें या नारायण नारायण के जाप से करें। जिसका भी मरकरी फर्स्ट हाउस में है, दिन की शुरुआत नारायण जाप से या नारायण नारायण बोल दिया एक बार, या विष्णु सहस्त्र नाम से करें। सैटन, सैटन अपनी गलतियों की वजह से ही दिक्कत पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे या अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे सर। सेल्फ का ध्यान रखें, सेल्फ का ध्यान रखें। मैं कर लूंगा, अपनी बॉडी और हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खाएंगे। मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। यदि मंगल है, इज्जत करें, माँ की इज्जत करें, अपने कल्चर व अपने ट्रेडिशन को इज्जत दें। माँ की इज्जत करें, अपने कल्चर व ट्रेडिशन को इज्जत दें। दूसरों के इमोशंस की कदर करें। मैम कल्चर के साथ क्या बोला था आपने? ट्रेडिशन के ट्रेडिशन मैम, ट्रेडिशन, हाँ जी, को इज्जत दें। कोलेस्ट्रॉल कार्डिक इश्यू देता है, ये ध्यान रखना चाहिए। मंगल जब भी 5वें में आएगा सर, सबसे पहले इसमें बोला गया है अपने पितरों का धन्यवाद करें जो भी आपके पास है।
पितरू का मैडम। अच्छा पितरों का सर। ये व्यक्ति को फौरन जाने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये व्यक्ति को फौरन जाने की अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन अपने घर वालों से जुड़े रहें, परिवार वालों को प्राथमिकता दें। मन की तरह माने। राहु, तो राहु के लिए क्या बोला गया है सर? गुरुवार को अंडा मीट शराब बिल्कुल भी ना ले, अन्यथा दिक्कत आएगी। रविवार गुरु वहां, वीरवार सर, तो वीरवार, थर्सडे, थर्सडे ठीक को अंडा मीट शराब ना ले, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। केतु यदि फोर्थ में है, अपने सिबलिंग की इज्जत करें, अपने सिबलिंग की इज्जत करें, अपने बोलने पर ध्यान दें, क्योंकि मैम बोलने पे आएगा तो देखेगा नहीं। अपने बोलने पर ध्यान दें, भाई बहन बुआ की मदद करें, अगर इनका कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कुछ भी निकाल नहीं रहे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। किसी का मंगल फिफ्थ हाउस में आ गया है, वो व्यक्ति आ रहा है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दिक्कतें हैं, तो भी आप यहीं से पकड़ सकते हो कि आपकी मदर के साथ में कैसे रिलेशन है। बेशक ये मंगल आपका 10 का बैठा है, पूछ सकते हो अपनी मदर के साथ में कैसे रिलेशन है आपके। ये चीज यहाँ पर ये पूछा, पूरा पूछ सकते हैं। क्या दूसरों के इमोशंस की इज्जत करते हैं? नहीं करते होंगे तो भी यहाँ पर दिक्कत आ जाती होगी यहाँ पर, क्योंकि क्या हो रहा है मैम, देखो इमोशन से निकलकर ही तो आया है। 4 नंबर की राशि थी, कहाँ आ गया? अथॉरिटी में। राजा मान रहा है ना अपने आप को, बिल्कुल राजा के घर में आकर। आपके घर पर किनकी चलती है? आपके घरों पर किसकी चलेगी? 5 नंबर की राशि में जो प्लेनेट बैठा होगा, सबसे पहले 5 नंबर राशि है, 5 नंबर की राशि पर जो प्लेनेट बैठा होगा आपके घर में, उसकी चलती है। 5 नंबर की राशि में जो प्लेनेट बैठा होगा आपके घर में, उसकी चलेगी। छोटा सा सर मैडम, एक्सटर्न हो जाए। मतलब फिफ्थ हाउस में जिस राशि बैठी होगी उसका चलेगा ऐसा ना, इसका मतलब। जो भी राशि, नहीं सर, फिफ्थ हाउस नहीं बोला मैं, बात वो कर रही हूँ दोबारा। अच्छा, मैंने ओके बोला 5 नंबर की राशि में ओके ओके जो ग्रह बैठे होंगे घर में, उनकी चलेगी। अगर बुध बैठा हुआ है, आपके चार्ट से पता लगेगा, आपकी बुआ बहन बेटी ननंद की चलती है घर पर, जुड़ कर रहो सर उनसे। ठीक है सर, 5 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, आपकी माँ या मदर इन लोगों की चलती है घर पर, जुड़ कर रहो उनसे। मंगल बैठा हुआ है तो आपके हस्बैंड की और छोटे भाई की चलती है घर पर, जुड़ कर रहो उनसे। ये देवर हम लोगों का कहीं ना कहीं, या और मैम इसमें फादर इन लो भी ले सकते हैं आप ना, मरकरी है यहाँ पर। अगर आपका गुरु बैठ गया तो आप खुद की, आपकी चलती है सर, मतलब जो भी प्लेनेट आ गए हैं उनकी चलती है। 5 नंबर की राशि, राजा है ना सर, राजा मान रहा है ना, मैम, मैं हुक्म सुनाऊंगा इसलिए। अब इसमें सब तीन ग्रह बैठे हो तब। 3 ग्रह बैठे हैं सबसे ज्यादा, उसमें फिर डिग्री को थोड़ा सा देख लो। चलोगी, चलेगी तीनों की, सबसे ज्यादा किसकी चलेगी डिग्री के अकॉर्डिंग देखो सर, जिसकी डिग्री जा सबसे रहा है ज्यादा वो डिग्री बस उसी की चलेगी। अगर अगर ठीक। कोई ग्रह ही नहीं बैठा है तो 5 नंबर, 4 नंबर चार नंबर की राशि पर चले जाओ, राजा रानी है क्योंकि ये।
अगर भृगु नंदी नाड़ी की बात करी जाए ना मैम, तो वो भी ना इन दो राशियों को थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं, 4 नंबर 5 नंबर। स्पेशली जिनका चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठा होता है, वो बोलते हैं इन्होंने नहीं सुनने किसी की, ये किसी की मानेंगे नहीं, देखते ही नहीं है इनकी कुंडली, देखने से ही मना कर देते हैं साउथ में। ठीक है, क्योंकि जितने ये थोड़ा सा फिक्स साइन है ना हमारा, तो जल्दी से किसी की बात मानते नहीं है। मैं सर आपकी आवाज आज बहुत कट रही है प्रेम सर, प्रिया बोलिए सर, अगर एक बार दोबारा आती है आवाज तो मैं सुनती हूँ। सर दोबारा बोलो। शनि, सनी हाँ जी सनी मैम शनि, सनी बड़े भाई हो गए सर, आपके सर्वेंट सर्वेंट हो गए, ये किस तरीके से रख दिया है, उस तरीके से रख दिया है, ये वो चीज हो गई, आपके सर्वेंट की चलती है। हाँ ये सर ठीक है, सर गुस्सा मैम मेरे तो 4 नंबर 5 नंबर राशि में कोई ग्रह ही नहीं कोई भी अच्छा पैरेंट नहीं है। एक बार एस्पेक्ट देख लो मैम, इस पर सेवंथ, नहीं सेवंथ कोई आ रहा है 5 पर, तो 5 पे तो सूर्य का ही आ रहा पिता की चलती है या है आपके पुत्र की चलती है। ठीक हाँ ये बात सही है, है किसकी मैम बात का, फिफ्थ में ग्रह ना हो तो फोर्थ राशि को देखना पड़ेगा हाँ सर बिल्कुल सर, उसके बाद तो इसी पर जाना है हम लोगों को, पर उसमें चार नंबर। उसमें अगर मंगल हो तो मेरा तो छोटा भाई है ही नहीं तो किस चीज छोटा बेटा बेटा नहीं बेटा भी एक ही है आपके नहीं साले की साले की तो मेरे घर में नहीं चलती उतनी मतलब मेरे कहीं ना कहीं अगर कुछ बोल देना है इस तरीके से, छोटे की चलेगी सर यहाँ पर ना, ओके ओके छोटा ही होगा ठीक कोई, मंगल छोटा ओके है इसलिए। ओके ठीक है शनि ठीक है, अब मैम इसमें हम लोग गुस्से का कारक कौन है मैम, मंगल, मंगल 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 आपको गुस्सा किस चीज से आता है, मंगल के पीछे जो बैठा है उसके बारे में आपको बोल दो आप चिढ़ जाते हैं। नहीं समझ में आया एग्जाम्पल के मैं दोबारा बोलती हूँ, ये मंगल है, गुस्से का कारक है, किस चीज से आप चिढ़ जाओगे मैम, एक बच्चे का कॉम्बिनेशन है मैम, क्या बोलते हैं उसको, किसके बारे में बोलेंगे उसको, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, चिढ़ जुड़ जाएगा जाएगा सर, गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा किसके कारण आया, मतलब पीछे जो प्लेनेट बैठा हुआ उसके लिए बोल कर तो देखो उसे, उसे गुस्सा आ जाएगा मैम। अगर किसी को किलसाना है, कुछ बोलना है, तो वहां पर एग्जाम्पल के लिए मंगल के पीछे चंद्रमा है, कि माँ और बेटी के बारे में या बहन के बारे में कुछ, या वो कुछ खा रहा है, या वो कुछ खा रहा है, उसके खाने के बारे में बोल कर तो देखो एन गुस्सा हो जाएगा मैम, जाने के बारे में बोल के देखो बोल के तो तो देखो, टेबल पर जाने से रोक कर तो देखो इसे, रोक कैसे दिया तूने मुझे, मतलब किसी की दुखती रख, गुस्सा दिलवाना है सर किसी को, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये काम करता है, लगाओ ना आप लोग अपना सर, आपके मंगल के पीछे बताओ डिग्री के लिए कौन सा प्लेनेट है, या वैसे बीएनएन मैम ये पूछना था कि जैसे ये बीएनएन के हिसाब से ट्राइन में देखना है या ठीक के पीएनएन हिसाब का से, ये बीएनएन के हिसाब से चल रहा है मैम हमारा, ये मंगल है ना, देखो खाली मैंने क्या बोला, मंगल तो पीछे डिग्री के लिए या दूसरे में आपका, सॉरी 12th में, मैम किसी का मंगल के पीछे अगर केतु हो तो कैसे देखेंगे स्पिरिचुअल जगह पर जाने से रोको, ठीक है, आपका कुछ भी इसने खेती बाड़ी के लिए सामान लेकर आना, रोक कर तो देखो इसको, जी कोई चीज करना चाह रहा है आप इसे रोक कर तो देखो, किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्रोग्राम बनाया आप इसे रोक कर तो देखो, केतु में ये चीजें आ जाएंगी हमारी ना, और किसी का मंगल के पीछे कोई सर, मेरा शनि और बुध है मैडम आपका क्या है सर, सैटर्न और बुध मर्क्यूरी मंगल के जस्ट पीछे बताना सर, हाँ हाँ 12th हाउस नहीं, में हाँ अच्छा ओके वो मतलब डिग्री तो है मर्क्यूरी की आपकी बुआ बहन बेटी के बारे में कोई कुछ बोलकर तो देखे सर, आपको फटाफट से गुस्सा आ जाता है, या आपकी एजुकेशन के बारे में कोई कुछ बोलकर तो देखे, आप जो भी बिजनेस या एजुकेशन लेते हैं उसके बारे में कोई कुछ बोलकर तो देखे, हाँ मैम वो मंगल के बिजनेस राहु के लिए बोलता है तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है बात सही कारक बस वही है सर हमारे, ओके
फादर इन लो के बारे में बोलेगा तो भी गुस्सा आएगा। कार को लेकर चल रहा है मैम। बस राहु में क्या कर बैठे? राहू में मैम, आपके ससुराल वालों को कोई कुछ बोले तो सही। और यहाँ पर दादाजी भी हैं आपके, उनको कोई कुछ बोल दे तो। इसलिए आप ऑनलाइन कुछ कर रही हैं उसके बारे में कोई आपको टोक कर तो देखे। राहु ऑनलाइन है ना, ये चीजें जो भी मतलब कारक है वो चीजें हमारी। आगे मैम, एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बो। मैडम मार्क्स के साथ अगर कोई साथ में बैठा हो तो डिग्री गली वो पीछे हो तो वो उसका देखना पड़ेगा कि बिल्कुल पीछे उसका कि देखना पड़ेगा सर। पिछला जुपिटर है हाउस। मेरे चार्ट में, मान लो मंगल चार हाँ पांच प्लेनेटों के साथ में बैठ गया सर, तो ओके मंगल के पीछे बिल्कुल कौन है? वो वाला प्लेनेट सर, ओके वो ओके वाला प्लेनेट है हम लोग। ठीक है सर, वीनस हमारी हैप्पीनेस। एक हाँ जी, बैठे हो दो, एक ही बैठे हो दो ग्रह और अच्छा बुध, तो उसकी डिग्री आएगी वो तब कैसे देखेंगे मंगल से? ये लिख के भेज देंगे सर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बिल्कुल भी, लेकिन आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, बढ़िया मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही हूँ सर। मैडम। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही प्रेम सर, आपकी आवाज ना। हाँ मार्स जी, के को पीछे अगर जुपिटर हो तो उसके खुद के बारे में कुछ बोलो तो गुस्सा आ जाता होगा। कोई कुछ बोलकर तो देखो सर। सर देखा हाँ जाए तो गुरु भी है, टीचर भी है हमारे, हाँ ओ इनके हाँ बारे में कोई कुछ बोलता है तो कहीं ना कहीं से गुस्सा आ जाता है सर। गुस्सा। तुमने मेरे गुरु के बारे में कैसे बोल दिया, ये अच्छा नहीं मानते उसको सर। हैप्पीनेस का कारक कौन है मैम हम लोगों की? वीनस। वीनस। वीनस के पीछे जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसको जब जब आप करते हैं आपको खुशी मिलती। मैम देखो आपके रिपीट वीनस। प्लीज, क्या बोला? क्या हाँ बोला आपने? जी, वीनस रिपीट। हैप्पीनेस का कारक है हमारा। हाँ जी वीनस हैप्पीनेस का कारक है हमारा। वीनस के पीछे जो ग्रह बैठा हुआ है उससे आपको खुशी मिलती, वो काम आप जब जब करते हो आपको खुशी मिलती। कोई भी प्लैनेट, बस मैम कुछ नहीं, प्लैनेट कारक है किसी ना किसी चीज का हम लोगों वॉट का, उसके पीछे जो ग्रह बैठे हुए हैं उनसे संबंधित चीज कारक। बस आपकी ईगो कब हर्ट होती है? ये तो आपकी ईगो कब हर्ट होती है? सन के पीछे जो ग्रह बैठा हुआ ईगो है ना मैम, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है उसके, उस व्यक्ति या फिर उसके बारे में कुछ बोलते हैं। आप चाहे जो मर्जी बोलो, एक चीज और समझना मैम, जो जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, आप उन व्यक्ति को जो मर्जी बोलो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई दूसरा कैसे बोल गया तब आपको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बोला कैसे तूने? सैटर्न शनि सन हो गया, जैसे सैटर्न 1 डिग्री सन 2 डिग्री, तो इसमें काम के लिए कोई बोलेगा कुछ बोलेगा? जब भी कोई आपके काम को लेकर कह देगा ना तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसा कैसे बोला तूने मेरे काम के बारे में? ठीक क्या है, अब आपका सर्वेंट अच्छा काम कर रहा होगा, मतलब एक ईगो वाली बात नहीं, फिर भी मेरा सर्वेंट उससे अच्छा है तो कहीं ना कहीं अपने सर्वेंट की भी फिर बढ़ाकर वो चीज करना है, ये वहां पे ये बात भी आती है मैम। तो ये चीज देखो मैम, इस चीज को लगा करो, ये बहुत अच्छा काम करता है। बार बार हिस्ट्री बोलते हैं ना, मार्क्स हिस्ट्री तो बोलते हो ना आप लोग 12वीं को, तो हिस्ट्री में वो बताएगा क्या उस प्लेनेट से संबंधित? भाई मेरी ये मेरे पास कारक तत्व है तो ये चीजें होती है। एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बिनेशन, ज्योतिषी योग। यदि आपके 1 4 7 10, तो मतलब मैम केंद्र की बात हो रही है यहाँ पर हमारी, 1 4 7 10 में व्यक्ति के मंगल, सूर्य, राहु, मैडम शनि बैठे हुए हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के केंद्र में, मैम केंद्र आप सब लोगों को पता है 1 4 7 10, इसमें मंगल, सूर्य, राहु, शनि बैठे हुए हैं, व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि होगी, व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि होगी, राशि में सन आवाज किसी नहीं आ रही। का 3 नंबर की राशि में या 3 नंबर का लग्न हो, सन किसी का 3 नंबर की राशि में
या 3 नंबर का लगन हो। मैम किसका साइन है? देखा जाए मरकरी का साइन है, ये टोकेटिव है। ज्योतिष क्या करते हैं? बोलकर ही तो लोगों को वो करते हैं, परामर्श वगैरह। या लग्नेश 3 नंबर की राशि, जो भी आपका लगन है उसका स्वामी 3 नंबर की राशि में। राशि की बात कर रही हूं मैम मैं। या चंद्रमा 3 नंबर की राशि में। या सूर्य आपका जिस राशि में बैठा है उसका लोड 3 नंबर की राशि में, आत्मा का कारक हो गया। या सूर्य आपका जिस राशि में बैठा है उसका लोड 3 नंबर राशि में आकर बैठ जाए। व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि भी होती है, व्यक्ति सीखता भी है। मेरे साथ है मैम। हाँ जी, कॉम्बिनेशन मैम जो भी बताया। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे चार्ट दो, मैं बोलती बताती हूँ। जिसको नहीं क्लियर हो लगन रहा प्लीज वो बोलिएगा। मैम, जैसे मेरा लगन के अंदर तीन नंबर, मेरी जेमिनी असेंडेंट है, बात हो गई, सेट्रोगेट ठीक है है, और सन भागेश में है, 9th हाउस। ठीक है। वैसे देखा जाए सिंपल मैम, सीधी बात हो गई, 3 नंबर का लगन है, 3 नंबर का लगन। 3 नंबर का लगन है, ठीक है। व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि भी होती है, व्यक्ति सीखता भी है। मैम, हाँ हाँ सर आप बोलो। ठीक मेरी लगन 3 नंबर का लगन मेरा, है सर, ज्योतिषी में रुचि और भी है और देखा जाए सेवन आप सीखते भी हैं। ठीक सेवन में सूर्य। है सर, प्रेम सर आज आप म्यूट करके बैठ जाओ। मैडम, सर म्यूट करो। हाँ मेरा जी तो इसमें से कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता सर, अभी रुक जाओ, आ रही हूँ आगे। अच्छा यदि 5th हाउस में, एक बार चार्ट दे दो इसके बाद लेती, चलो सर पहले मैं लिखवा ओके देती हूँ चीज को। ओके यदि 5th हाउस में ओके सूर्य मंगल राहु शनि हो, ओके यदि 5th हाउस में सूर्य मंगल राहु शनि हो तो भी व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी सीखने में रुचि होती है। ज्योतिषी बनना और सीखना आगे सर, ज्योतिषी बनना ये रुचि है और सीखते हैं। आगे भी एस्ट्रोलॉजर की कॉम्बिनेशन है हमारे पास पूरे बीएनएन में, जब हम लोग प्रोफेशन करेंगे सर कॉम्बिनेशन है हमारे पास सारे। ज्योतिषी बनना, 5th का लॉर्ड, के लॉर्ड का रिलेशन किसके यहाँ केतु एक्टिव है मैम? फिफ्थ के लॉर्ड का रिलेशन यदि 2/12 से हो, सेकंड और 12th हाउस से ना मैडम। ओके जी सर सेकंड और 12th हाउस से हो सर, लॉर्ड कौन है? 5th, सही है, सही लॉर्ड का संबंध है। सेकंड या 12th से हो, ठीक है सर। 5th लॉर्ड, ये पहली, ये स्टेप नहीं मिलता फिर अगले स्टेप पर जाओ। 5th लॉर्ड सूर्य या मंगल की दृष्टि में हो, 5th लॉर्ड सूर्य या मंगल की दृष्टि में हो, दृष्टि कोई भी मंगल की, 4/8 है ना एक्स्ट्रा। 5th लॉर्ड सूर्य मंगल की दृष्टि में हो, सूर्य की तो एक ही आएगी, या 5th लॉर्ड 1/5/9 नंबर के साइन में बैठ जाए। साइन सर, हाँ प्राइम नहीं, साइन। टेंथ व 8th लॉर्ड का रिलेशन हो या 10th व 5th लॉर्ड का रिलेशन हो, कैन पहले फिर से बोला मैडम। 10th और 8th हाउस का संबंध हो सर, 10th और 8th हाउस का रिलेशन हो, 10th और 5th हाउस का रिलेशन, लॉर्ड हो गए, लॉर्ड की युति बन गई, आपका एस्पेक्ट हो गया।
हाउस पर एक मैलेफिक और एक बेनिफिक का एस्पेक्ट आ जाए, फिफ्थ हाउस हाउस पर पे एक मैलेफिक या बेनिफिक का एस्पेक्ट आ जाए, चाहे बैठ जाए एक मैलेफिक एक बेनिफिक। अगला, नाइन्थ में, नाइन्थ हाउस में मैलेफिक एक बेनिफिक बैठ जाए या देख ले। ये समय में फिफ्थ हाउस है ना, राशि तो नहीं ना, नाइन्थ हाँ, हाउस। हाउस। फोर्थ और एट्थ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए। हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए। हाँ फोर्थ और एट्थ ना, जी, और या एंड, मतलब या वाला या दोनों। फोर्थ में या आठवें में, कोई इसमें और बोला ना मैंने क्या? वाक सिद्धि, जुबान से निकली हुई बात सच होगी। सरस्वती बैठ गई, आप ऐसे भी बोलते हैं। सूर्य का संबंध, मैम समझ में नहीं आई, आवाज कट गई। अच्छा वाक सिद्धि योग, सरस्वती बैठी अच्छा हुई है मुंह पर, ये व्यक्ति मुंह से बोलता है और सच हो जाता है। अच्छा गुरु और सूर्य का संबंध, और सूर्य का संबंध फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ में हो। गुरु और सूर्य का संबंध फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ में हो। त्रिकोण में पाप ग्रह बैठ जाए। सूर्य का संबंध फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ में हो, तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड हो गया मैम हम लोगों का सैटर्न, साथ में पाप ग्रह बैठ जाए। का संबंध बन गया फिफ्थ, देखा जाए फिफ्थ लॉर्ड के साथ में सन का रिलेशन बन रहा है मैम। और ये जो शनि है ये इसका रिलेशन बन रहा है फिफ्थ लॉर्ड में, हम लोगों का वीनस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वीनस या तो यहाँ पर हमारा आ जाए, त्रिकोण में पापी ग्रह आ जाए। कब जुबान पर सरस्वती बैठेगी? सबसे पहले हमें अपने D9 चार्ट में जाना है, D9 चार्ट में जाना है। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या है? सबसे पहले हमने अपने D9 चार्ट में जाना है, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है तथा लगन क्या है। मैं एक बार, आप मुझे अपना D9 चार्ट बोल देना, मैं बताती हूँ उसके बाद। जब जब इस राशि में चंद्रमा जाएगा, फिफ्थ फ्लोर जहां बैठा हो लगन में। पहले सर D9 चार्ट पर जाना है हमने। फिफ्थ हाँ। लॉर्ड कोई भी प्लेनेट होगा, वो किसी राशि में बैठा होगा सर हमारा, वो राशि लिख ली, कोई भी राशि हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर की राशि में बैठ गया, ठीक है सर। उसके बाद जो लगन निकला है वो लगन कौन सा है D9 का, मेरा मान लो 7 नंबर का निकल गया। जब इन राशि में चंद्रमा गोचर करेगा, वाक सिद्धि का योग है सर, आपके द्वारा बोली गई बात सच हो जाएगी।
बताना है इसको, बताना है इसको कैसे करना है मैम। ठीक हाँ बताओ। हम बाकी तो वैसे सबको पता होगा, बस थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। मैंने डी कुछ नाइन नहीं चार्ट के होता, बारे में पता कुछ नहीं नहीं है। होता। मुझे डी नाइन चार्ट बता दो पहले तो। आप एस्ट्रो सेज में हाँ जाइए, जैसे ही आपका डी वन चार्ट खोलते हैं ना आप लोग, तो उसको स्क्रॉल करते हैं तो रमांशा आ जाता है। आप मुझे डी नाइन बताओ चार्ट दीजिए। मेरा। दस नंबर का लगना है मेरा, 10th नंबर का लगना है। पहली राशि आ गई है 10 नंबर। सर शुक्र बताओ कहाँ बैठा है। 6,000। हाँ जब जब चंद्रमा मेरा 3 नंबर की राशि 10 नंबर की राशि में जाएगा, वक्त सिद्धि योग हो गया। लगन ओके है। डी नाइन में 10 नंबर मिला, फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ गया, तो ये राशि क्या है? 3 नंबर। जब जब चंद्रमा इसमें जाएगा, वाक सिद्धि का योग बन जाएगा। मुझे कंसल्टेंसी करनी है तो इस दिन करो। मैम गोचर में, गोचर में चंद्रमा सर, गोचर का क्यों सर? गोचर देखो गोचर का चंद्रमा गोचर का होगा, ये तो आपके प्लेनेट है, क्योंकि चंद्रमा हर सवा दो दिन, हर सवा दो दिन में अपना मूवमेंट चेंज करता रहता है, इस वजह से सर। वो भी गोचर में D9 में ही देखना होगा में ना। D9 में, D9 चार्ट में ही देखना होगा ना चंद्र का गोचर, क्या D1 में। सर वो तो गोचर कर ही रहा है ना, D9 चार्ट में क्यों देखना है उसको? बस D9 से हमने ये दो चीजें उठा ली अच्छा सर, ओके ओके ठीक है ओके। है ना? D9 से तो ये दो चीजें हमने उठा ही ली। बस अब मुझे ध्यान में क्या रखना है, चंद्रमा का गोचर तो जा रही है, हाँ ओके। ये दो चीजें उठा ली D9 से हमने। नहीं क्लियर हुआ तो एक और चार्ट दे, नहीं बता नहीं देती। हो गया मीनाक्षी मैम मेरा। क्लियर हुआ या कोई चार्ट देना है तो बोलो। मैम मुझे भी D9 देख के तब पता चल पाएगा अभी, पर तो ये क्लियर होगा, यहाँ क्लियर हो गया ये। तो आज अच्छा नहीं क्लियर हो तो इसके डी नाइन खोलो, बारे मैं बता देती हूँ। आप ये देख लेना में राशि, उसको नोट कर लिया। फिफ्थ हाउस आपका कोई भी लगन हो गया, यहाँ का जो लॉर्ड हो गया वो किस राशि में बैठा है, बस ये दो राशि ठीक नोट करो। चंद्रमा इनमें जब जब आएगा वो वाक सिद्धि का योग कहलाएगा। ठीक ये चीज हमारी हो जाएगी। आगे जब भी हमें किसी चीज को एक्टिवेट करवाना पड़ता है मैम, जब भी हमें किसी चीज को एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट, एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट। मैम एक चीज पूछूं, हाँ मेरा जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा मून लगन में और D9 में दोनों एक ही राशि में बैठा हुआ है। कुछ नहीं होता, अच्छा मुझे D9 चार्ट बनवाओ एक बार, मुझे D9 चार्ट। हमें चंद्रमा से मतलब नहीं है ना। हाँ अगर वो चंद्रमा ही है, यहाँ पे चार लिखा है तो वो चंद्रमा है। 7 नंबर में चंद्रमा है। कुछ नहीं, आप मुझे एक बार D9 चार्ट बनवाओ पहले तो। कौन सा है आपका, क्या लगन का है? मैम इसमें मीन लगन आ रहा है। मीन लगन आ रहा है, बिल्कुल ठीक मैम। ये हाँ मीन लगन आ गया, सही है ना? अब चंद्रमा बताइए कहाँ बैठा है। मैम आठवें घर में बैठा है मून, ये 8वें घर में 7 नंबर की राशि में बैठा है। 8 नंबर की राशि में। हाँ तो ठीक है, जब जब हमारा चंद्रमा 12 नंबर की राशि 7 नंबर की राशि से गोचर करेगा तब तो। हाँ ओके अच्छा ऐसे देखें, जी इस तरीके से समझ गए देखना है हम समझ लोगों गए। को। जब जब ये इसमें गोचर करेगा हमारी बात, मतलब एक वाक सिद्धि योग है मेरे लिए ये, समझ गए। क्या ना मैम? ये वाक सिद्धि योग हो जाता है। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। ठीक है, मैम पीछे समझ पीछे जो हमने वो गई, किया है एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन, किसी का कुछ लगाना है तो बोलो कि मैम क्लियर है वो चीज भी। एस्ट्रोलॉजी इसी में जैसे आपने अभी बताया चंद्रमा यहाँ, पहले फिफ्थ लॉर्ड बताया था ना शायद। नहीं फिफ्थ नहीं में वो तो योग डी वन अभी में नहीं है फिफ्थ, ना, डी वन में वो फिफ्थ D1 में हाउस था। में। अच्छा ये जो ये योग बताया ना मैंने, ये वाक सिद्धि योग बोला मैंने, अच्छा 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 सॉरी सॉरी। हाँ ये वाक सिद्धि जो पहले बोला मैंने वो आपका एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन बोला। अगर बोलना अच्छा है मुझे चार्ट दे दो ना, मैं करके बता रही हूँ। चार्ट दो, कोई भी दो, मैम मेरा दे दो। कोई भी दे दो मैम। तीन 3 नंबर का लगन है। सर
हम लोगों ने, चलो दो मिनट उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी लगन में शनि रेट्रोगेट है, ठीक है। और तुला राशि के अंदर पांचवे घर में मून है, उसके आगे राहु है आठवें में, और ओके एट्थ हाउस के अंदर मर्क्यूरी एंड मार्स, और जी, नेक्स्ट हाउस में सन, कहाँ नौवे घर में सन, पर? 9th house में सन। हाँ, और दसवें घर में जुपिटर विनस। ये चीज बन गई मैम। सबसे पहले हम लोगों ने कहा जो हमारी चीज बन रही थी केंद्र में, 1, 4, 7, 10, ये हम लोगों का केंद्र है। हम लोगों ने क्या, मंगल, सूर्य, राहु, शनि, क्या ये तो नहीं बैठा हुआ है हम लोगों का? तो मैम यहाँ पर ये चीज नहीं बैठी हुई है। तो ये किस लिए बात थी? रुचि के लिए बात थी। नेक्स्ट हम लोगों ने बोला सूर्य आपका मिथुन राशि में हो, तो मैम सूर्य हमारा मिथुन राशि में नहीं है। दूसरी नहीं, बात हम लोगों ने क्या बोली है यहाँ पर, आपका लगन 3 नंबर का हो, तो मैम हम लोगों की ये 3 नंबर का लगन यहाँ पर मिल जाता है, तो ये वाली बात सही है। अगली बात हम लोगों ने बोली है लग्नेश 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ हो, तो लग्नेश ठीक है मरकरी है, वो हमारे 3 नंबर की राशि में नहीं है। फिर हमने कहा चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ हो, यहाँ पर बैठा हुआ लॉर्ड 3 नंबर की राशि में नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना? या अभी अगर जो और कोई चार्ट लगते हैं तो उसपे हम लोग देख लेते हैं। उसके मैम बाद हमने क्या शनि कहा, शनि तो आई गया इनका लगन लगन में शनि तो आ ही गया हम लोगों का यहाँ पर, लेकिन जब हम में। लोगों ने कहा इसका जहां पर भी चंद्रमा बैठा है उसका लॉर्ड यदि वहां पर बैठा हुआ हो, तो भी हम लोगों की ये चीज हो जाती है कि ज्योतिष में रुचि होती है। सबसे पहली चीज मैम जो हम लोगों को यहाँ पे मिली गई है, 3 नंबर का लगन तो मिल गया ना, तो यहाँ पर ये चीज हमें मिल जाती है। अब हम लोगों ने बोला आगे ज्योतिषी बनने का फिफ्थ लॉर्ड का रिलेशन 2 या 12 से होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पर 5th house का लॉर्ड कौन है हमारा? शुक्र शुक्र। का लॉर्ड कौन है यहाँ पर मेरा? तो यहाँ पर वीनस का संबंध, वीनस ये रहा हमारा दूसरे का लॉर्ड और 12वें का लॉर्ड, क्या दूसरे और 12वें के लॉर्ड से संबंध हम लोगों को वीनस का नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा है। देखा जाए यहाँ पर 2 और 12 का लॉर्ड हम लोगों का जो है एक चंद्रमा हो जाता है और एक वीनस हो जाता है, तो उससे किसी भी प्रकार का मुझे संबंध नहीं नजर आ रहा है। आगे 5th लॉर्ड है जो हमारा सूर्य और मंगल के साथ में रिलेशन बना, 5th house का ये रहा लॉर्ड हम लोगों का, क्या सूर्य और मंगल के साथ में रिलेशन बना रहा है? नहीं बना रहा है। जी बना क्या रहे सूर्य और मंगल की दृष्टि है इनके ऊपर? तो मैम हम लोगों को कोई दृष्टि भी नजर नहीं आ रही है। नहीं आ फिर रहे। हमने बोला 10th व 8th लॉर्ड का संबंध हो, तो 10th लॉर्ड हम लोगों का यहाँ पर जुपिटर हो जाता है, 8th लॉर्ड हम लोगों का सैटर्न हो जाता है इधर पर। और उसके बाद हमने बोला 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का रिलेशन हो, तो मैम हम लोगों का 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का रिलेशन इधर मिल जाता है, ये है जुपिटर वीनस मैम का सैटर्न रिलेशन। की भी जुपिटर पर दृष्टि हो गई, दो हो वो गए। कर्म कर्म को कहीं ना कहीं वो कर गया ना, इसलिए मैडम ये ज्योतिष बनने का योग है ना, वो पहले ज्योतिष वाला। बनने का योग। अभी और ओ भी योग है सर, ये तो हम लोगों ने थोड़ा दूसरे ओके वैदिक तरीके से देखा, बीएनएन के तरीके। ये जैसे अब ये आ गया एक चीज है, उसके बाद बीएनएन क्या हो गया सर? हम लोग दोनों तरीके से, मतलब चलो यहाँ नहीं दिखा, हम लोग वहां पर उस चीज को देख लेते हैं। जैसे सर एक चीज मुझे आती है, चलो भाई एक बार पूरा कंफर्म हो जाती हूँ क्या है, तो वो दूसरी विद्या हमारी कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी आ जाती है। यहाँ पर देखा जाए मरकरी का संबंध हमारा केतु के साथ भी बन रहा है, एस्ट्रोलॉजी को व्यक्ति बिजनेस के रूप में जी चला सकता है, हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है? मंगल है तो मंगल कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस के रूप में एस्ट्रोलॉजी चला सकता है, थोड़ा सा हम बोलेंगे मंगल तो वास्तु ऐड कर लेगा व्यक्ति तो ज्यादा अच्छा हो गया, मंगल वास्तु है ना हमारा, इसलिए ये मंगल आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेल परचेस, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेल परचेस करेंगे? छोटी 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 काट काट दो चीज, ये चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है सर? ये योग हम लोगों का बन जाता है इधर, ठीक। अब सर ये चार्ट मेरे आगे लगा हुआ है, ये व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, तो व्यक्ति मेरे पास आकर बोल रहा है मैडम पैसा आने में दिक्कत हो रही है, पैसे में दिक्कत आ रही है, अभी हम इसमें ट्राइन नहीं देख रहे हैं। वीनस। पहली चीज ट्राइन नहीं देख रहे, आप सबको पता है पैसों का कारक कौन? वीनस, ठीक है सन बैठा हुआ है। मैं थोड़ी ईगो ज्यादा करते हैं क्या? ईगो ज्यादा है क्या यस जिस वजह से पैसा आने में दिक्कत आ रही है? जब जब व्यक्ति ईगो दिखाएगा तो क्या रुक जाएगा? अब दो चीजें हो सकती है मैम, सर के बिल्कुल आगे कौन है, वीनस या जुपिटर, वो डिग्री बताएगी हम लोगों की कि क्या है। या तो जब जब व्यक्ति में ईगो ज्यादा बढ़ जाती है तब या तो ग्रोथ रुकती है या पैसा।
हम सन के आगे जुपिटर है, फिर वीनस। के आगे जुपिटर है फिर वीनस। हम्म, जब जब व्यक्ति में ईगो बढ़ जाती है तो व्यक्ति की ग्रोथ में कहीं ना कहीं, व्यक्ति को अपने भाग्य में कहीं ना कहीं कमी लगने लग जाती है। ये चीज हो जाती है क्योंकि ये करवाऊंगी मैं अभी, खींचना किसको है, ये चीजें हाँ बता रहे थे। ये आगे मैं आपको बताया तक हो चुका है हमारी क्लास में। नहीं नहीं हुआ नहीं, नहीं आपने कहा नहीं हुआ। बताएंगे। अच्छा मुझे लगा मैं बता चुकी हूँ आपकी क्लास में हो गया नहीं चैप्टर ये वाला। तो फिर जब हम लोग वही चार्ट लेंगे ना, मतलब धक्का लगवाने की जरूरत है या हाँ खींचने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, वो मैं क्लियर करूंगी आप लोगों को टेक्निकली चीजों को लेकर, ठीक है बिल्कुल। ना। मतलब उससे अब यही व्यक्ति हम लोगों के पास आ रहा है सर, बोल रहा है हस्बैंड के साथ में नहीं बन रही है अपनी, जिसकी वजह से हस्बैंड के साथ में नहीं बन रही है अपनी। सर जुबान क्यों बोला, स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। अपने कम्युनिकेशन पर, अच्छे प्लेनेट अच्छे भी हैं, अच्छे प्लेनेट बुरे भी हैं, आप कर कैसे रहे हैं उनके साथ व्यवहार। सन में कुछ दिक्कत थोड़ी ना देता है, सन तो जुपिटर के साथ में बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हीं यही जो प्लेनेट है ना मैम, यही जो प्लेनेट है, अब पैसा आने में दिक्कत हो रही है मैम, तो अपने आप को स्मार्ट समझने लग गई हूँ ना ज्यादा। जिस दिन मैं आप अहम आ गया मेरे अंदर मैम कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ पर ये चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, हैप्पीनेस भी डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी, व्यक्ति को अपने को ज्यादा वो करने लग गया, क्योंकि मैं हूं ना, जब मैं ज्यादा मैं करूंगी तो जो मेरे आगे प्लेनेट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी हैप्पीनेस की कमी आ जाएगी, हैप्पीनेस में कमी आ जाती है जब हम दूसरों की सुनते नहीं है, तो मैम हैप्पीनेस तो देखो ऑलरेडी जाती ही जाती है, ये वो वाली बात आ जाती है। अब कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है उस तरीके से हमें किससे धक्का लगवाना है और किससे क्या चीज मुझे करनी है। अगर यहाँ पर एक चीज देखी जाए, अभी हम जानते नहीं है कि शनि रेट्रो है, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि व्यक्ति के काम धंधे में देखो दिक्कत है, क्योंकि आगे का पूरा रास्ता खाली है। जिसके आगे का रास्ता पूरा खाली होगा, कहने का मतलब है सर अगर इस प्रकार का चार्ट है, जैसे ये केतु हटा दिया मैंने, बेशक वो लड़ने के लिए तो है सर, ना इसके इधर कोई ना इधर कोई ना इधर कोई, सैटर्न एक बहुत वीक कंडीशन का सैटर्न है, काम में दिक्कत आएगी ही आएगी, या बेशक पीछे कोई प्लेनेट हमारा बैठा हुआ है, मूवमेंट में जब जब इसको कोई नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को दिक्कत आएगी ही आएगी। शनि को मेरा कर्म, मेरा प्रोफेशन, प्रोफेशन में मुझे दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। जिस भी प्लेनेट के आगे पीछे का रास्ता खाली, सेवंथ खाली, स्पेशली जिस प्लेनेट की मूवमेंट खाली है, उस प्लेनेट को कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है ना। रेट्रोगेट है। हाँ अभी वो तो है ही है मेरे को, बस आपको, आपने मुझे बोल दिया था, लेकिन सिर्फ एक वैसी बताने के लिए, क्योंकि तो इसकी जो मूवमेंट हो गई ऐसे हो गई ना, उल्टा हो गया ये हमारा कहीं ना कहीं, उल्टा ना हुआ होता तो देखो, और उल्टा होने के बाद भी एक तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा। हाँ देखो ना, मिला कौन, हम भी कहते हैं जब भी सैटर्न की बात आती है तो मैम ये प्लेनेट हम लोगों को दुखी करना स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज मैम हम लोग। रेट्रो हुआ हाँ तो मीला पहले की तो सही है ना। हाँ ठीक है ना, तो यूज करना है ना, धक्का किससे लगवाना है, किसको खिंचवाना है, तो ये खींचेगा ना सर, खींचेगा काम को, ये तो इसका यूज करके काम को खिंचवा देंगे, ठीक है। अब सर काम में दिक्कत आ रही है, बात समझिएगा, काम में दिक्कत आ रही है, केतु है, जब हम उसी काम को लेकर मटेरियल स्टिक ज्यादा हो रहे हैं ना सर, केतु कहता है मटेरियल स्टिक मत हो, मैं सब कुछ दूंगा, पैसा आने से मना नहीं करूंगा, काम आने से मना नहीं करूंगा, या मटेरियल स्टिक हो जाएंगे, या हम लोग छोटे छोटे कामों को लेना बंद कर देंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। या मैं किसी भी चीज, किसी भी तरीके से, केतु है मैं तो बोल देता हूँ तुम्हें बुरा लग जाता है, मैं क्या करूँ, वही वाली बात अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी दिक्कत आ जाती है काम में, कोई भी चीज रहे मैम, जब हम उसका बिल्कुल भी नेगेटिव यूज करने लग जाते हैं तो वो हमें दिक्कत दे देती है। मेन बात जिसके आगे केतु बैठा हुआ है ना, उसको लेकर आप मटेरियल स्टिक हो रहे हैं, तो आप समझिएगा वहां पर दिक्कत आनी स्टार्ट होने वाली है। सेम इसी तरीके से अगर आपका केतु के ऊपर जुपिटर का गोचर आ रखा है, तो कौन मटेरियल स्टिक होगा इस टाइम पीरियड पर, जीव मटेरियल स्टिक होना चाहेगा, और जब हाँ ही जीव को दिक्कतें आ जाएंगी, बराबर। यस ठीक है ना। केतु मटेरियल स्टिक होने से रोकता है, राहु क्या करेगा मैम, चलो करो चलो करो चलो करो, करवाता है, पास भी दिखाता है, लेकिन वो देखो मैम इतना पास लाया, इतना आपको लगा, अब मिल, अब पकड़ा फिर चला गया, ये वो वाली चीज है, लाता है लाता है लाता है लाता है, फिर
फिर चला जाता है, हमें महसूस देता है आ रहा है आ रहा है आ रहा है लेकिन जा रहा है। ये चीज है, ये भ्रम है ना मैम, कहीं ना कहीं हमारा राहु राइट, भ्रम है ना, हाँ तो भ्रम है। ये खींच देता है कहीं ना कहीं। बस अब आगे आगे मैम इन्हीं पड़ावों पर है हम लोग अपने। मैम इसमें ये भी बता बहुत दीजिए, कोई बिजनेस करता है तो उसमें किस दिन उसका ठीक जाना है, किस दिन नहीं, या कोई ऐसा कोई। थोड़ा सा जब हम लोग डे अकॉर्डिंग जुपिटर को करेंगे ना, तो ये चीज हमारे सामने आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी हमारे सामने पे ना, आ ठीक जाएगी। है मैम, सैटर्न और केतु जुड़ जाते हैं तो फिर मतलब काम धंधा बंद हो जाता है ऐसा कुछ। सर इसको कहते हैं रिटायरमेंट योग। लेकिन ये रिटायरमेंट कब देता है सर? जब आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं अपने काम धंधे को लेकर। ठीक है, ओके अब आप इसी काम से जुड़े हुए हैं सर, बात समझना, इसी काम से जुड़े हुए हैं, इसी काम में भी आपको दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल आप एस्ट्रोलॉजी में है सर, एस्ट्रोलॉजर्स को दिक्कत नहीं आती, आती है, लेकिन कब? जब आप इसको लेकर थोड़ा ज्यादा मेटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। अब ये व्यक्ति, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, व्यक्ति आया, भाई मेरी कुंडली देख लो, नहीं मैं नहीं देखता हूँ, तो सर अब आपको दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल के लिए यदि आपका सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है बर्थ चार्ट में, इस समय पर सैटर्न का केतु से संबंध बन गया है, तो इस समय पर सैटर्न केतु का काम करेगा, राहु ठीक है ऑनलाइन है, वो बाय बर्थ है, लेकिन एक्टिव में कौन है, एक्टिव कौन है इस टाइम पीरियड पर, वो चीज ज्यादा काम करेगी। ठीक है ना मैम, ये चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है कि भी इस समय जो, अगर मान लो मेरे चार्ट पे मोस्टली प्लैनेट केतु के साथ जुड़े हुए हैं, और इस समय यदि राहु आ गया है, तो मुझे बिहेव जो करना है इसके तरीके से करना है। अगर इसके तरीके से नहीं चलूंगी ना मैम, तो ये मुझे कहीं ना कहीं पीछे कर देगा। ये चीज है, हमें उसके तरीके से मैम, ये सेम उस तरीके से मानो ना, देखो आप अपने घर में रहते हैं, एक रह रहे हैं अब, लेकिन कोई व्यक्ति घर में आया है तो उसकी पसंद तो पूछोगे ना, ये बताओ आप क्या खाओगे। ये सेम वही चीज है प्लेनेट, जब घर में आ गए हैं तो थोड़ा सा देखो आपको अपने रूटीन में भी चेंज करना पड़ेगा, कि चलो आया हुआ अच्छा नहीं लगता, हम इतनी देर तक लेटे हैं बैठे उठे, तो नहीं चलो चल के बात करते हैं। ये सेम उसी तरीके से प्लेनेट है, ये आपके घर मेहमान आए हैं उतने टाइम के लिए, आपको थोड़ा सा इनके हिसाब में होना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, भाई बाहर जाकर कुछ बोल देगा तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। इसको सेम इसी तरीके से समझ के चलना है मैम प्लेनेटों को हम लोगों ने, एक सिंपल लैंग्वेज जैसे हो जाती है ना, तो वो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता राइट। है ये चीज में। ठीक है मैम, कल करते हैं एक्टिवेशन। मैम एक चीज, राहु से राहु का गोचर अगर होता है जैसे चल रहा है जैसे आजकल, सपोज किसी का जिस प्लेनेट में, उसमें डेट ऑफ मतलब बर्थ चार्ट में भी उसी पार्ट उसमें है हाउस में, तो हाउस के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट अच्छा बुरा या हमेशा बुरा या करेंगे ना हमेशा। मैम, क्या पता जिस साइन में आया है उस साइन के लॉर्ड का भी रिजल्ट दे दे हमें, देखते हैं ना आगे क्या चीज का रिजल्ट देता है। ठीक है, हिंट दिया मैडम मैंने, पकड़ना उसे। ठीक है, मैम, जैसे मेरा राहु आया था अभी, जैसे इस पे आया मंगल के 11वें घर पे आया राहु। मैम राहु पर राहु का गोचर भी अच्छा है, केतु हाँ पर केतु का गोचर भी अच्छा है, राहु का केतु पर अच्छा है, केतु का राहु पर, ये दोनों कहीं ना कहीं अच्छे हैं गोचर। बस क्या करते हैं हम लोगों को पेट से संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कत बनाकर रखते हैं। लेकिन एक चीज, अगर शुक्र पर राहु या केतु का गोचर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आने लग जाती। ठीक ठीक है मैम, चाहे वो कोई भी हो, वो आगे आगे होती रहेगी डिस्कस। ठीक है, कई चीजें मैम आगे के लिए भी छोड़ते हैं, मैम अभी से थोड़ा ना वो करेंगे। ठीक है, ये हमारे खत्म चैप्टर में आ रहा है। हो गया हमारा BNN, चलो राम राम। मैडम मैडम एक मिनट, पता रिकॉर्डिंग बंद। नहीं क्यों मैडम एक रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर, तो एक क्वेश्चन पूछा। ना, हाँ जी मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक।